हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूले। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी। जो आपने शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, शायद एक थोड़ा सा आप सुने होंगे चार्ज न्यूट्रलिटी के बारे में। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने इसके बारे में एक इक्वेशन लिखवाया था, शायद वो शायद गलत भी था, शायद इक्वेशन चेक करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो चार्ज न्यूट्रलिटी क्या बोलती है ये पहले समझते हैं, फिर उसके बाद इसके इक्वेशंस में आएंगे। तो देखो, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब कि क्या, नो चार्ज, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव नहीं। तो चार्ज न्यूट्रलिटी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, फील आ रहा है थोड़ा सा कि न्यूट्रलिटी मतलब कि क्या, कोई चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है, इन अ यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर। यूनिफॉर्मली डोप्ड मतलब कि क्या, यूनिफॉर्मली डोप्ड मतलब कि भाई कि अगर आपने एक सेमीकंडक्टर है इधर और ये आपका सेमीकंडक्टर हो गया, कौन सा सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। आपने क्या किया, इधर से डोपिंग की, डोपिंग किया और इधर आपने बहुत सारे हाई लेवल ऑफ डोपिंग कर दिया, ठीक है, एकदम सारा डोपिंग कर दिया और फिर इधर से भी डोपिंग किया और इधर थोड़ा सा ही डोपिंग कर दिया, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको, क्या ये यूनिफॉर्मली डोप्ड है, मतलब कि क्या बराबर आपने डोपिंग किया है, क्या नहीं किया है ना। तो इसमें क्या होता है, ये यूनिफॉर्मली डोप्ड नहीं है। तो चार्ज न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर के लिए ही यूज होता है, मतलब कि क्या नॉन यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड और यूनिफॉर्मली डोप्ड क्या होता है, यूनिफॉर्मली डोप्ड अगर मैं बनाऊं तो मतलब कि आप समझ लो कि जो डोपिंग है वो हर जगह बराबर है, थोड़ी सी राइट, लगभग बराबर है हर जगह, ठीक है। तो आप यहां ये नहीं बोल सकते कि यहां पे नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग की गई है, तो यहां पे यूनिफॉर्म डोपिंग की गई है। तो यूनिफॉर्म डोपिंग में चार्ज न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट वैलिड होता है, राइट, ठीक है। तो यहां पे यूनिफॉर्म डोपिंग की गई है, बराबर आपने अच्छे से डोप किया है इसको। अब नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग का कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा जब हम डिफ्यूजन करंट को पढ़ेंगे। डिफ्यूजन करंट में क्या होता है, आपको मैं थोड़ा सा प्रीव्यू दे देता हूं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि देखो यहां पे आपने इधर ज्यादा डोपिंग कर दिया, इधर कम डोपिंग कर दिया, तो यहां पे क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो ऐसे एक ही जगह नहीं बैठ रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये मोबाइल आयंस है, है ना, मतलब ये तो मूव कर सकते हैं भाई आराम से। तो अगर आपने यहां पे अच्छे से डोपिंग की है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, कुछ कुछ है ना, कुछ कुछ इधर चले जाएंगे, और यहां पे अगर जा रहे हैं तो यहां पे क्या बचेगा, होल्स बचेगा, राइट, होल्स बचेगा और यहां पे भी होल्स बचेगा। तो इस प्रकार से जो नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग करोगे ना, तो उसमें क्या होता है कि चार्ज कैरियर्स अपने आप को इक्विलिब्रियम में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि अगर एक जगह ज्यादा है एक जगह कम है तो रूम में तो अब बराबर आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जिस तरफ है उधर से इधर आने की कोशिश करेंगे, और अगर इधर आएंगे तो अपनी जगह क्या छोड़ के जाएंगे, होल्स छोड़ेंगे और इधर के होल्स को ऑक्यूपाई करेंगे। तो इस प्रकार से ये नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड भी सेमीकंडक्टर भी आराम से पूरा इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। अब ये जो मूवमेंट है चार्ज का वो क्या होता है, वही डिफ्यूजन करंट को रिजल्ट करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बेसिक आइडिया अभी आपको मैं दिया हूं, अभी लेक्चर के आगे में हम इसको डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो हम वापस अपने कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी में आते हैं कि अगर ये यूनिफॉर्मली डोप्ड है, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म डोप्ड किस लिए हम नहीं कंसिडर कर रहे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग में क्या होता है कि चार्ज कैरियर्स मूव करने लग जाते हैं, मूव करने के कारण क्या होता है, डिफ्यूजन करंट का उत्पादन होता है। तो इसलिए हमारा क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट, ठीक है। तो यूनिफॉर्म अगर डोपिंग रहेगी तो डिफ्यूजन करंट यहां पर नहीं रहेगा, आई डिफ्यूजन नहीं रहेगा। जिसको समझ नहीं आया डिफ्यूजन करंट के बारे में, हम चिंता मत करो, अभी हम जाएंगे आगे। तो डिफ्यूजन करंट, सॉरी उल्टा लिख दीजिए, हमें हाँ यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग के लिए ये चार्ज कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी वैलिड नहीं है, इसके लिए वैलिड है। तो ये बोलता है चार्ज न्यूट्रलिटी हमको
कि अगर सॉरी हाँ कि जो ओवरऑल चार्ज है इन अ यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू जीरो. इज इक्वल टू जीरो मतलब कि क्या, जैसे आपने केसीएल पढ़ा होगा, केसीएल में क्या होता है कि एक नोड में सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. उसी प्रकार से समझ लो कि एक सेमीकंडक्टर में टोटल पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन, है ना. तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे. तो कैसे पॉजिटिव चार्ज मतलब कि कौन कौन से भाई, पहले ये बताओ मुझे. पॉजिटिव चार्ज में एक तो हो गया होल्स, ठीक है, होल्स हो गया. इसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. ये एक हो गया पॉजिटिव चार्ज में. और कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है, फर्स्ट क्लास लेक्चर का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, लास्ट में शायद मैंने आपको बताया था पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम बना के दिखाया था. थोड़ा सा याद करो, उसमें डोनर और एक्सेप्टर एटम्स के, सॉरी सेकेंड लेक्चर में बताया था शायद इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के, कि डोनर एटम्स और एक्सेप्टर एटम्स का मैंने डायग्राम बनाया था और उसमें मैंने डोनर आयंस और एक्सेप्टर आयंस के बारे में बात किया था. डोनर एटम्स क्या होते हैं, जब हम आपका पेंटावेलेंट एटम्स को डोप करते हैं, ठीक है, टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर में हम जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं तो डोनर एटम्स आते हैं. अब क्या होता है, डोनर एटम्स जो हैं ये ऐसे इस प्रकार से हैं, एटम्स हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है. तो अब जो डोनर एटम आए वो क्या करते हैं भाई, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करते हैं. आपको याद होगा पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से एक इलेक्ट्रॉन आता था, इसलिए हम उसको क्या बोलते थे, डोनर एटम बोलते थे. तो अब जैसे ही ये एटम एक इलेक्ट्रॉन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन को दिया, तो इलेक्ट्रॉन को देना मतलब कि क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन लीव हुआ इससे, इसका मतलब इसकी नेगेटिविटी कम हुई, इसका मतलब कि क्या, ये पॉजिटिव बन गया, राइट. तो ये हो गया आपका डोनर आयन और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो पॉजिटिव चार्ज में डोनर आयन भी आपका आएगा, ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया था, याद होगा आपको, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर ये डायग्राम बनाया था मेरे को, ठीक है. तो डोनर आयन पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि इसको मैं कैसे डिनोट करता था, ND से, राइट. हाँ, तो पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दिया है, राइट. तो इलेक्ट्रॉन को देने से इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब वैसे ही नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सा चीज हमारे नेगेटिव चार्ज है, वो क्या क्या होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन भाई साहब हो गए हमारे, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन का हमारा कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन, और इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, राइट. याद होगा स्मॉल एन से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. और नेगेटिव चार्ज में और कौन से आते हैं, जैसे डोनर आयन था वैसे ही हमारा क्या होगा, एक्सेप्टर आयन भी होगा. तो एक्सेप्टर आयन का नेगेटिव चार्ज क्यों होता है भाई, क्योंकि सिंपल, जैसे डोनर आयन इलेक्ट्रॉन को दिया तो इसीलिए इसका क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. वैसे ही एक्सेप्टर एटम जो था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था पहले, अब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एक्सेप्ट किया तो ये नेगेटिव आयन बन गया, एक्सेप्टर आयन बन गया, जिसको हम Na से बोल रहे हैं. तो नेगेटिव एक्सेप्टर आयन और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के इसके पास आया, इसका मतलब क्या बचा, यहाँ पे होल्स बचा, राइट. तो एक्सेप्टर आयन, जब भी हम एक्सेप्टर एटम ऐड करते हैं तो एक्सेप्टर आयन और होल्स का फॉर्मेशन होता है, और जब भी हम डोनर एटम को डालते हैं तो हमारा डोनर आयन और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है. ये पॉइंट यहां तक पूरी क्लियर होनी चाहिए, राइट. तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये सारे हो गए. तो चार्ज कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी ये बोलता है कि इन अ यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर टोटल चार्ज इज जीरो. मतलब कि क्या, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हो रहे हैं हमारे पास, टोटल पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. दिस इंप्लाइज पॉजिटिव चार्ज मतलब कि क्या, पी प्लस एन डी, स्मॉल पी है ना, स्मॉल पी इज इक्वल टू एन
प्लस एन ए, ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी का इक्वेशन, ठीक है, चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, ठीक है। एक बार मुझे, एक बार मेरे को शायद याद नहीं आ रहा है, पर एक बार प्लीज आप वेरीफाई कीजिएगा अपने नोट से कि लास्ट क्लास भी मैंने ये इक्वेशन लिखा था कि नहीं, अगर नहीं लिखा होगा तो प्लीज इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, राइट, ठीक है। तो वो जो पहला इक्वेशन था वो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें मिस्टेक होगा, यहाँ पे एन ए लिख दिया होगा मैंने, तो उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, पी प्लस एन डी इज इक्वल टू एन प्लस एन ए, राइट, ये चीज आप याद रखेंगे, चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, राइट, तो भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे, वरना अभी जिन लोग नोट्स बना रहे हैं वो अपने नोट्स में पीछे जाके इसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है, चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन। अगर पीछे कोई और इक्वेशन लिखा होगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा इधर उधर का, तो आप इस उसको जाके ये इक्वेशन लिखेंगे वहां पे, राइट, ठीक है। और तो ये हो गया टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, और मैं जो बोल रहा हूँ कि इन अ यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर टोटल नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो, इसका कहाँ से प्रूव आएगा, यहीं से देख लो, सॉरी, पी प्लस एन डी, अगर एन को इधर ले आया तो माइनस एन, माइनस एन ए इज इक्वल टू जीरो, देखो टोटल चार्ज हो गया ना, सब चार्ज को अगर हमने यहाँ पे एक एक साइड लाया तो टोटल चार्ज इक्वल टू जीरो हो गया, तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी भी सेटिस्फाई हो गया, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी हो गया। अब चार्ज न्यूट्रलिटी को हम किस लिए पढ़ते हैं, इसको हम इसलिए पढ़ते हैं कि अगर आप किसी सेमीकंडक्टर को बोथ एक्सेप्टर एटम एंड बोथ डोनर एटम, मतलब दोनों से अगर डोपिंग कर दोगे, तो अगर आपको पता लगाना है कि अगर मैं इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर एक्सेप्टर और डोनर एटम दोनों से डोपिंग कर दिया हूं, तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा, एन टाइप या पी टाइप, ये चीज पता लगाने के लिए आप किसका हेल्प लोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी, राइट। तो इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर विच इज यूनिफॉर्म, विच इज डोप्ड विथ बोथ एक्सेप्टर एटम एंड डोनर एटम, तो ये पता लगाने के लिए कि वो एन टाइप की तरह रहेगा कि पी टाइप की तरह रहेगा, ये कैसे पता लगाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी से। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा कि इट इज यूज टू फाइंड द बिहेवियर ऑफ अ सेमीकंडक्टर, दैट इज इट विल बिहेव एज एन टाइप और पी टाइप इफ इट इज डोप्ड विथ बोथ आपका डोनर एंड एक्सेप्टर एटम, राइट। तो ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर फिर भी आपके कॉन्सेप्ट के मैंने यहाँ पे लिखवाने लिखने बोल दिया है आपको, तो वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस जाके इसको पॉइंट को अच्छे से लिख लीजिएगा, करेक्ट। नाउ तो अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, चार्ज न्यूट्रलिटी हो गया, इसको एक बार रेक्टिफाई कर लीजिएगा पीछे जो अगर कुछ गलत लिखा होगा तो, ठीक है। नाउ अगर हम पढ़ें अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था अपना, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट में भी काफी लोगों को अच्छे से डाउट होता है, राइट। तो आज आपका डाउट आई होप मैं क्लियर कर पाऊं, ठीक है। तो डिफ्यूजन करंट ध्यान से सुनो, अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था यूनिफॉर्मली डोप्ड और नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर के बारे में, कि यूनिफॉर्मली डोप्ड मतलब कि क्या होता है, ये आपका यूनिफॉर्मली डोप्ड है, पूरा बकायदा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली डोप्ड है, ठीक है। और अगर आप ये इसको देखो, नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड मतलब कि क्या होता है, कि यहां पे आपके एक तरफ ज्यादा हो गया और एक तरफ कम हो गया, राइट। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड, तो होता क्या है कि अगर आप नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर को लेते हो, तो उसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, वो क्या है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब कि जो उनकी कॉन्सेंट्रेशन है उसमें वेरिएशन है ना, प्रॉपरली वो कॉन्सेंट्रेशन पूरे तरीके से नहीं फैला हुआ है सेमीकंडक्टर में। तो होता क्या है कि अब वो तो, अब जो भी चार्ज कैरियर्स हैं वो तो भाई मूव करने के लिए मतलब फ्रीडम है ना उनको, तो वो फ्री टू मूव है, मोबाइल आयंस हैं वो, तो वो क्या करेंगे,
वो अपने जो एक जिस तरफ ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जाएंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गया, यहाँ पे कुछ होल्स आ गया, और इस तरीके से वो वापस इस पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन, इस पॉइंट को मैं लिखता हूँ, एक मिनट, नेक्स्ट पेंसिल लिखता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लिखते हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट, अब कुछ लोगों को ये वर्ड पता नहीं होगा, तो ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट इज नथिंग बट वेरिएशन, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ग्रेडियंट इज नथिंग बट, डिफ्यूजन करंट का हेडिंग है हमारा, ग्रेडियंट मतलब क्या है, वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब भी कुछ लोग को अगर डाउट हो रहा है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए हैव अ गुड डे, सी या।